इलाहाबाद बैंक का जो कस्टमर है इंडियन बैंक में मर्जन हो गया होने के बाद हर आदमी को परेशानी उठाना पड़ रहा। आपको जैसा मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर करना, नेट बैंकिंग रजिस्टर करना, कैसे करना, आपका जैसा इलाहाबाद बैंक का मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग पूरा बंद हो गया, हर चीज़ बंद हो गया। इलाहाबाद बैंक का जो जो चीज़ यूज़ करते थे, जैसा ऑनलाइन पेमेंट करते थे, हर चीज़ बंद हो गया। तो आपको इंडियन बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग है, मैं रजिस्टर करके आपको पूरा वीडियो में बताएंगे। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक का ऐप्स कैसे रजिस्टर करना, इलाहाबाद बैंक का जो कस्टमर है इंडियन बैंक का ऐप्स यूज़ करना, इंडियन बैंक का ऐप्स ही यूज़ आपको हर टाइम करना पड़ता है। इलाहाबाद बैंक का पूरा संपूर्ण बंद हो गया, इलाहाबाद बैंक का हर चीज़ बंद हो गया। अभी कुछ भी इलाहाबाद बैंक का चीज़ आपको सपोर्ट नहीं करते, हर चीज़ आपको इंडियन बैंक का आपको यूज़ करना पड़ता। इलाहाबाद बैंक का जो कस्टमर है इंडियन बैंक का जो ऐप से मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर कैसे करना पूरा वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिए, रजिस्टर कैसे कैसे करते आपको पूरा वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करो, आप देखिए। हाय गाइस, अभी प्ले स्टोर में मोबाइल में प्ले स्टोर पर आ जाइए। प्ले स्टोर पर आने के बाद आप यहाँ पर इंडियन बैंक लिख के सर्च करिए, इंडियन मोबाइल बैंकिंग, इंडियन मोबाइल बैंकिंग बोल के सर्च करिए। मोबाइल में प्ले स्टोर में जो इलाहाबाद बैंक का ऐप्स था वो हट गया, हट के आप इंडियन बैंक मोबाइल बैंकिंग आ गया। इंडियन मोबाइल बैंकिंग जो है अब इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। अभी यहाँ पे आ गया, देखिए इसको डाउनलोड करना। अब ये डाउनलोड शुरू हो गया, पूरा एक्टिवेट कैसे करना पूरा आपको लाइव बताएंगे। इसको ओपन करिए, डाउनलोड हो गया, होने के बाद ओपन करिए। आपका जो लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, जो है आपका लैंग्वेज वो आप डाल सकते। तो इंग्लिश मैं रख देता हूँ, रखने के बाद नीचे प्रोसीड करिए। करने के बाद इसको अलाउ कर दीजिए, अलाउ करने के बाद इसको ओके करिए। ओके करने के बाद आपका बुक में CIF बोल के जो नंबर है वो नंबर आपका बुक में रहते, वो नंबर आपको डालना पड़ता। अब ये नंबर मैं डाल देता हूँ, डाल के आगे बताता हूँ। और एक बात है, आपका मोबाइल पे वाईफाई चालू नहीं रखना। ये जो मोबाइल ऐप्स आप डाउनलोड करते वो टाइम पे आपका मोबाइल पे नेट, आपका फ़ोन का नेट चालू रहना, आपका फ़ोन का डेटा ऑन रहना, वाईफाई बंद रखना, नहीं तो ये चालू नहीं होता। अब इसको SMS चला जाता। हाय गाइस, SMS भेजने के बाद जैसा आपका SMS में आपका जो आपको मोबाइल पे नहीं ले रहे, आपका जो मोबाइल नंबर पे मानने के बाद भी आपका SMS सपोर्ट नहीं कर रहा, आपका मोबाइल पे SMS भेजाने के बाद भी आपका काम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो आप इसको नो करिए। नो करने के बाद आप SMS भेजा दीजिए, SMS भेजा दिए तो आपका काम हो जाता। आप यस कर दीजिए, यस करने के बाद यहाँ पे देखिए टिक आ गया, बोले तो ये वेरीफाई हो गया। होने के बाद आप ये मोबाइल बैंकिंग UPI बोल के जो आ रहा, UPI की दोनों का सिलेक्ट कर लिए। करने के बाद उसको प्रोसीज करिए, ओके डालिए। अब क्या बोल रहे हैं, आपका इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड MPIN बोले तो आपका रजिस्टर रहे तो अब MPIN से ही आप इसको लॉगिन कर सकते, आपका रजिस्टर रहे तो। पर नहीं रहे तो अब न्यू, मैं तो न्यू इसको कर रहे। करने के बाद क्या करेंगे, तो मेरे को डेबिट कार्ड से मैं इसको एक्टिवेट करेंगे। डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पे दे देना, देने के बाद कार्ड का एक्सपायर डेट आप दे दीजिए। उसके बाद आपका ATM पिन, आपका ATM का जो पिन है वो दे दीजिए। देने के बाद इसको डन करिए। करने के बाद आप यहाँ पे MPIN बोल के बोल रहे हैं। MPIN क्या काम को लगता, जैसा आप मोबाइल बैंकिंग आप खोलते, ऐप्स खोलने के बाद आपको MPIN का ज़रूरत पड़ते, तब MPIN से आप लॉगिन कर सकते। तो उसके लिए MPIN बना लीजिए, आपका हिसाब से आप MPIN बना लीजिए। MPIN बनाने के बाद डन करिए, नीचे
एक्सेप्ट करिए। करने के बाद MTPIN बोल के जो है, इसका मतलब क्या है, आप जब मनी ट्रांसफर करते हैं, मनी ट्रांसफर करने के लिए आपको ये पिन जरूरत पड़ते है। पहले जो लॉगिंग पिन आप दिए वो पिन यहाँ पे नहीं देना, अभी ये पिन दूसरा देना। ये भी 4 डिजिट का पिन आता, ये भी अलग से देना। सेम पिन दिए तो आपका एक्सेप्ट नहीं करते, इसको अलग पिन दे दीजिए। इलाहाबाद बैंक के भी करे तो भी आपको, किसका भी बैंक में आप मनी ट्रांसफर करे तो आपको ये पिन का जरूरत पड़ते, को सिलेक्ट करिए। करने के बाद कंफर्म करिए। करने के बाद यहाँ पे जो UPI ID है, यहाँ पे आपका नाम दे दीजिए। नाम देने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका सिलेक्ट कर लीजिए। आपका जो बैंक में जो ईमेल ID दिए से, वो ईमेल ID आप दे दीजिए। आपका ईमेल ID देने के बाद अब ये पूरा फिलअप कर लिए। फिलअप करने के बाद अब नीचे टिक करिए। करने के बाद आपका सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे नीचे टिक करिए। करने के बाद अब इसको लॉगिन करने के लिए आपको जो पिन अभी बनाया, NPIN जो बनाया, वो पिन यहाँ पे दे दीजिए। इसको अलाउ कर दीजिए, इसको यस। इसको नेक्स्ट करते जाइए, नेक्स्ट करते जाइए। ये पूरा देखिए आ गया, ये मेरा जो नाम है वो भी आ गया, ये पूरा आ गया, ये ऐप्स रेडी हो गया। तो फंड ट्रांसफर कैसे करते हैं, ये जो अकाउंट है, अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे आ गया। देखिए अकाउंट नंबर आ गया, अकाउंट नंबर आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये आ गया। ये देखिए ये आ गया। इलाहाबाद बैंक का जो ऐप्स था वो ऐप्स हट गया। अभी इंडियन बैंक आपको सिलेक्ट करके जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है, प्ले स्टोर में जाके आपको ऐप्स डाउनलोड करके रजिस्टर करना पड़ता। अब रजिस्टर पूरा आपको बताया, लाइव बताया, अब ऐसा करके रजिस्टर कर लेना पड़ता। गाइस, इलाहाबाद बैंक का जो कस्टमर है, इंडियन बैंक में जो मार्जिन हो गया, होने का बाद जो परेशानी हर आदमी को हो रहा, आपको रजिस्टर करके इंडियन बैंक का जो ऐप्स रहे थे, आपको मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर करके आपको पूरा वीडियो में बताया। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी ऑल प्रेस करिए, वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन फौरन आपको मिल जाते। यही जानकारी देना था, शुक्रिया, बाय।